दोस्तों नमस्कार, जेपी भाई न्यूज रामगढ़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम मौजूद हैं अलवर जिले के मालाखेड़ा तहसील में, और मालाखेड़ा तहसील का ये जो गांव है ये उमरैन ग्राम पंचायत का गांव है, और मैं जिस जमीन में खड़ा हूँ ये उमरैन बांध की जमीन है। मेरे पीछे बिल्कुल अभी जल भराव की स्थिति नहीं है, बांध है। उमरैन ग्राम पंचायत में आता है जयसमंद झील का ही ये गाँव है। दोस्तों वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आज हम आपको प्याज की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं कि इस टाइम अलवर ज़िले में प्याज की क्या स्थिति है और खेतों में जो प्याज है उसकी क्या स्थिति है। दोस्तों ये वही प्याज है जो हर बार लोगों की रसोई का जो जायका है उसको बिगाड़ता है, लेकिन अब की बार अलवर का जो ये लाल प्याज है इसने किसान का ही गणित बिगाड़ रखा है। अब की बार ये किसी की रसोई का जायका नहीं बिगाड़ रहा, अब की बार ये किसान की जो फाइनेंशियल स्थिति है उसका इसने प्याज ने गणित गड़बड़ा दिया है। गणित गड़बड़ाने का उद्देश्य प्याज का यह है कि अब की बार एक तो बीज ने मारा है, नकली बीज ने किसान को मारा है। दूसरा बेमौसम की जो बारिश अलवर ज़िले में हुई है उसने प्याज की स्थिति को ख़राब किया है। और तीसरी स्थिति खराब अब हो रही है मंडी में, जिस हिसाब से किसान की प्याज मंडी में जा रही है उस हिसाब से किसान को प्याज का जो दाम है भाव है वो नहीं मिल पा रहा है। अभी नई प्याज मंडी में उस हिसाब से नहीं जा रही जिस हिसाब से जानी चाहिए। और वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं दोस्तों कि काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो बाहर के लोगों के लिए गलत जानकारी देते हैं, गलत भ्रम फैलाते हैं। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं कि अलवर की प्याज की क्या स्थिति है, इसको आपको बेहद ही नज़दीक से जमीन के करीब से आपको दिखा रहे हैं कि अलवर में जो प्याज की स्थिति है वो क्या है। हम सड़क के पास से गुजर रहे थे, इस खेत में हमको बहुत काफ़ी अच्छी प्याज लगी, इसलिए हमने इस खेत की प्याज को दिखाना आपके लिए उचित समझा है। और वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि अलवर की जो प्याज है लाल प्याज है वो तैयार होना शुरू हो गई है, मंडियों में आवक भी शुरू हो गई है। अब इंतज़ार है तो अलवर की मंडी को सिर्फ बाहर के व्यापारियों का इंतज़ार है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि दीपावली के आसपास माल की आवक भरपूर मंडी में हो जाएगी। और मंडी के आढ़तियों के द्वारा भी ये हमें सूचना मिली है कि दीपावली के बाद से जो बाहर के व्यापारियों भी आना शुरू हो जाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह प्याज की भाव की जानकारी और ग्राउंड रिपोर्ट की स्थिति हम आपको दिखाते रहेंगे। चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।